नमस्कार दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत लिटरेचर लवर्स यूट्यूब में और मेरे साथ यानी ए के एस राजवीर के साथ। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम यानी कि बाइलिंगुअल कवर कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं ग्रीको रोमन पीरियड, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को अगर आप समझना चाहते हैं, सो हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो। सो दोस्तों, वो भी बना हुआ वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। और दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश एस्पिरेंट है, सो देन यू कैन ज्वाइन माई पेड क्लासेस ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी द लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप फ्री क्लासेस भी मेरी डेली ज्वाइन कर सकते हैं। 7 PM टाइमिंग है। और दोस्तों, साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, सो देन यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट भी मेरे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर दोस्तों आप अपने कोर्स का नाम और अपना नाम लिख करके मैसेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं, मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इस पार्ट को बहुत अच्छे से यहां पर कवर किया, और इसके बाद दोस्तों एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को अपने पिछले वीडियोस में बताया। इसके बाद दोस्तों मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि मैं आपको होमरिक पीरियड या फिर क्लासिकल पीरियड के बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और यह भी दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और इसके बाद अब आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपके साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात, जब भी आप लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करते होंगे उस समय एक बात जरूर आती होगी आपके माइंड में, इंग्लैंड ब्रिटेन। और दोस्तों, जैसे ही हमें इंग्लैंड या ब्रिटेन की याद आती है तो हमें याद आ जाता है वो गुलामी वाले दिन और वो हमारा स्वतंत्रता का संघर्ष। और कभी कभार दोस्तों हम इतने बायस्ड हो जाते हैं कि हमें उस समय लगता है कि यस, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेड किए गए थे हम। दोस्तों, मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि क्या कभी ये इंग्लैंड जिसने विश्व के तमाम देशों पर शासन किया, यस, अपना एक किंगडम बनाया, तो क्या दोस्तों क्या ये भी कभी गुलाम था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में रहें, और जब आपको ये रियलिटी पता चलेगी तो आपको यस यही लगेगा कि वाकई में ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, सबसे पहले हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जिसे हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को या दोस्तों ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड को, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, देखिए आप इसको कोई भी नाम दे, बस बात एक ही है, आप इसे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कह दें, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कह दें, या फिर दोस्तों एंग्लो सैक्सन लिटरेचर और एंग्लो सैक्सन पीरियड अगर आप कहें, तो दोस्तों बात एक ही आती है। अब यहां से दोस्तों स्टार्ट होती है बात की, जो बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर की बिगिनिंग है और इंग्लिश हिस्ट्री की जो बिगिनिंग है वो होती है एंग्लो सैक्सन पीरियड के साथ। अब दोस्तों हमें यह जानने की जरूरत है कि ब्रिटेन में सबसे पहले रहता कौन था। तो दोस्तों, ब्रिटेन में सबसे पहले अगर कोई रहता था तो उनको हम जानते हैं केल्ट्स के नाम से, CELTS, और इसे केल्ट्स पढ़ा जाता है। और दोस्तों, ये जो यहां पर रहने वाले लोग थे इनको ही हम ब्राइथोन्स या गेल कहते थे। दोस्तों, जब आप ब्राइथोन्स को पढ़ रहे होंगे तो ये ब्रिटेन की तरह कुछ लग रहा होगा, और ये वो टाइम पीरियड था दोस्तों कि जब 55 BC का टाइम पीरियड चल रहा था, अप टू 55 BC। लेकिन दोस्तों कुछ परिवर्तन हुए, कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे राजा महाराजा बहुत सारे लोग थे दोस्तों, और वो ऑलवेज फाइट करते थे विद वन अनादर, कभी इस किंगडम को लेकर के कभी उस किंगडम को लेकर के। इवन भारत पर भी बहुत सारे हमले हुए थे, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो मुस्लिम शासक रहे हो या फिर सिकंदर महान जो भारत आना चाहता था। दोस्तों, रोमन कंक्वेस्ट, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ग्रीक के बाद जो सिविलाइजेशन की शिफ्टिंग है वो ग्रीस से एथेंस से रोम शिफ्ट हो गई, और रोम दोस्तों उस समय जो रोमन साम्राज्य था सो वो बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली था। तो इसीलिए दोस्तों उस टाइम पीरियड में जो रोमन की सेना थी, रोम की जो सेना थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी,
और वो किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते थे, किसी को भी वो जीत सकते थे। तो दोस्तों रोमन कंक्वेस्ट हुआ कब? 55 बीसी के टाइम पीरियड में। और रोमन साम्राज्य एक आइलैंड दोस्तों जो आपका इंग्लैंड है, इस आइलैंड पर रोमन साम्राज्य स्थापित हो गया। और रोमन साम्राज्य के स्थापित होते ही जो रोमन साम्राज्य था वो बहुत अच्छे से चला भी। लगभग दोस्तों आप मान लीजिए 300 साल से 400 साल तक बहुत अच्छे से फ्लरिशमेंट हुआ। लेकिन दोस्तों इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिन परिस्थितियों की वजह से रोमन्स को ब्रिटेन छोड़कर के जाना पड़ा। इन भी परिस्थितियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों जैसे ही वो छोड़कर के गए तो फिर एंग्लो सैक्सन इन्वेशन होता है और एंग्लो सैक्सन आ जाते हैं। दोस्तों एंग्लो सैक्सन हम इन्हें क्यों कहते हैं ये देख रहे होंगे आप, नाम भी एंग्लो सैक्सन पीरियड इसका रखा गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि 450 से 1066 के टाइम पीरियड की बात मैं कर रहा हूं आपसे। इसके बाद दोस्तों रोमन जो ये एंग्लो सैक्सन रोमन्स चले गए तो एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड में राज किया। और इसके बाद विकिंग्स इन्वेशन हुआ और इसके बाद नॉर्मन कंक्वेस्ट। ये जो दोस्तों टाइम पीरियड दिया हुआ है आप इसे याद रख सकते हैं, और अगर आप नहीं भी याद रखना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 1066 और इसके बारे में मैं भी आपसे डिटेल में बात जरूर करूंगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो जो केल्स थे ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे कहां के? इंग्लैंड के। और दोस्तों जो इनके डिसेंडेंट्स थे तो जैसे ब्राइटन्स गाइड्स, स्कॉच, आयरिश, वेल्स, कॉर्निश, तो ये सारे इनके क्या थे दोस्तों? ये सब इनके डिसेंडेंट्स थे। और इस टाइम पीरियड में दोस्तों जब आप देखते हैं कि जो 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आपने देखा एक माइग्रेशन, और इस माइग्रेशन को समझने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रोमन साम्राज्य था सो रोमन साम्राज्य शिफ्ट हो रहा था ब्रिटेन में 55वीं शताब्दी गाइस, 55 BC जूलियस सीजर और इसके बाद 1st AD क्लाउडियस, तो ये लोग सक्सेस हुए। एंड देन जब दोस्तों ये सक्सेस कैसे हुए, ये रोम से ब्रिटेन आ चुके थे, क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटेन था सो उसे ज्यादा सेफ कंसीडर किया जाता था। और आपको पता ही है कि उस टाइम पीरियड में जो भी राजा, जो भी किंगडम शक्तिशाली होता था तो वो एक दूसरे पर हमले करते रहते थे, चाहे वो रामायण की कहानी हो या फिर महाभारत की कहानी, वहां पर भी दोस्तों आपको ऐसा ही मिलता है। अब दोस्तों यहां पर हुआ क्या कि जो रोमन्स थे वो इंग्लैंड में आ गए, क्लाउडियस और जूलियस सीजर, तो इनका एक राज्य चलने लगा। और दोस्तों आपको पता है कि जब किसी भी सल्तनत का या फिर किसी भी साम्राज्य का राज्य चलने लगता है किसी और देश में, किसी दूसरे देश में, तो फिर वो निर्माण करते हैं इमारतों का, मॉन्यूमेंट्स का। तो दोस्तों बिल्डिंग्स एंड बहुत सारी इमारतों को बनाया गया कहां पर? ब्रिटेन में। और आपको पता होना चाहिए कि जो रोमन आर्किटेक्ट्स है सो आर्किटेक्चरिस्ट ने बहुत सारी बिल्डिंग्स को बनाया दोस्तों और वेल कंस्ट्रक्टेड किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों जो आर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर आर्मी थी रोमन साम्राज्य की। और बस आप ये सोचिए, ये कल्पना कर सकते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था। और जब दोस्तों कोई भी कल्चर आता है किसी भी कंट्री में तो आपको पता होना चाहिए उनका कल्चर, उनकी भाषा, सब कुछ आता है। तो दोस्तों लैटिन लैंग्वेज जो ब्रिटेन में थी वो मेजर लैंग्वेज थी, लैटिन लैंग्वेज। और फिर दोस्तों आपने देखा सेंट अगस्टाइन के साथ क्रिश्चियनिटी भी इंग्लैंड में आ गई थी दोस्तों। किसके साथ? सेंट अगस्टाइन के साथ क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में आ चुकी थी। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि क्या जो ब्रिटेन था तो क्या ये क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे? तो दोस्तों मेरा आंसर है कि ये पैगन कल्चर को सपोर्ट करते थे दोस्तों। बेसिकली ब्रिटेन का जो नेम है दोस्तों, सो ब्रिटेन पहले था दोस्तों, ब्रिटेन यानी ब्राइटन्स के साथ आया एंजरलैंड, सो एंजरलैंड के साथ इंग्लैंड नेम आया था दोस्तों। अब हुआ क्या? तो दोस्तों मैं आपको
बताऊं, रोमन्स ने राज्य किया 300 से 400 साल तक दोस्तों, रोमन्स ने राज्य किया, लेकिन उनके साथ दोस्तों एक ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी यह हुई कि उनकी खुद की कंट्री में यानी रोम में, वहां पर एक जर्मेनिक ट्राइब जिसका नाम है विसिगोथ्स, और विसिगोथ्स ने वहां पर कंटिन्यूअसली अटैक करना शुरू किया। अब दोस्तों आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि मैं ट्राइब्स की बात कर रहा हूं। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी ट्राइब्स थी जो एक दूसरे से लड़ती थी और अपना अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी उस वक्त। दोस्तों जो विसिगोथ्स थे, सो ये इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे रोमन साम्राज्य की, और जो रोमन्स थे वो ब्रिटेन में पड़े हुए थे और इनकी जो आर्मी थी वो बहुत मजबूत थी। लेकिन जब इनको लगा कि हमारी खुद की धरती गुलाम हो सकती है, हमारी खुद की धरती हमसे छीन ली जाएगी, सो देन रोमन्स ने ब्रिटेन को छोड़ा और वो अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए चलने लगे। और इसी टाइम पीरियड में दोस्तों जब ये चलने लगे तो इंग्लैंड जो था, जो ब्रिटेन था, वो हेल्पलेस हो गया। और इसी टाइम पीरियड में दोस्तों जब पता चला कि इंग्लैंड के पास अब कोई बहुत ही ज्यादा बहुत आर्मी नहीं है और यहां के लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो उस समय दोस्तों फिर क्या हुआ, पिक्ट्स और स्कॉट्स, ये जो दोस्तों ट्राइब्स थी, ये बगल की ही ट्राइब्स थी। अगर आप इस मैप को देख पा रहे हैं, सो ये पिक्ट्स यहां से ब्रिटेन पर दोस्तों ये हमला करना चाहते थे। तो दोस्तों जब पिक्ट्स और स्कॉट्स ने, समझ लीजिए दोस्तों, इन लोगों ने हमले करने की कोशिश की इंग्लैंड में, सो उस समय इंग्लैंड ने मदद मांगी, और मदद मांगी किससे, जर्मेनिक ट्राइब्स से। और ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी, ये तीन ट्राइब्स थी दोस्तों, याद रखिएगा, थ्री जर्मेनिक ट्राइब्स। सो इनसे मदद मांगी कि हमारी सुरक्षा की जाए, और इस सुरक्षा के लिए दोस्तों रेडी थे एंजल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स। बट दोस्तों आप एक बात और समझ लीजिए कि आपने जब इस एज का नाम देखा एंग्लो सैक्सन, सो एंजल्स का नाम आ जाता है सैक्सन्स का, बट ज्यूट्स का नहीं आता, क्योंकि ज्यूट्स बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थे। एंजल सैक्सन और ज्यूट्स, सो ये आए इंग्लैंड, इंग्लैंड की रक्षा करने के लिए कि हम तुम्हें बचाएंगे किनसे, पिक्ट्स और स्कॉट से। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद कुछ और भी परिवर्तन हुए। जो एंग्लो सैक्सन्स थे, जब ये आकर के यहां पर रहने लगे, तो फिर इन्होंने खुद ही, जो केल्ट्स थे दोस्तों, अब याद रखिएगा CELTS, ये जो केल्ट्स थे, मूल निवासी कहां के, इंग्लैंड के मूल निवासी जो थे, इनको ही भगा दिया, इनको ही ड्राइव एंड आउट कर दिया इन लोगों ने। और एंजल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स ने, ये जो थ्री ट्राइब्स थी, तो इन्होंने अपना ही अधिकार जमा लिया इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे, जो मैंने बिगिनिंग में आपसे एक क्वेश्चन किया था, एक शक्तिशाली देश जिसने दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश की, वो खुद कभी गुलाम था, उसकी अपनी खुद की कोई भाषा नहीं थी, उसकी अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं थी। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि ये जो केल्ट्स थे, इनको यहां से भगा दिया गया। सो जो केल्ट्स थे वो माउंटेन साइड चले गए, कुछ लोग वेल्स चले गए, कुछ लोग आयरलैंड चले गए, सो फिर डिफरेंट प्लेसेस पे से केल्ट्स का माइग्रेशन हो गया। अब दोस्तों जो इंग्लैंड में ये जो ज्यूट्स, यहां पर ये जो मैप है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, सो ये जो ज्यूट्स थे, एंजल्स थे, सैक्सन्स थे, ये लोग आए थे इंग्लैंड में और अब रहने लगे यही लोग, और यहीं से दोस्तों इसका नाम पड़ गया इंग्लैंड, यानी एंजल्स लैंड, इंग्लैंड हो गया। दोस्तों इसके बाद की जो कहानी है वो और भी इंटरेस्टिंग है। किंग आर्थर का नाम आपने सुना तो जरूर होगा, मैं समझता हूं कि आपने सुना है दोस्तों, और आपने फेयरी क्वीन, और यस आपने किंग आर्थर के बहुत सारे एडवेंचर्स के बारे में जरूर सुना होगा, मुझे नहीं पता, और इवन की जो दोस्तों आपके हिस्टोरियंस हैं उनको भी नहीं पता कि क्या किंग आर्थर नाम के कोई फिगर थे,
बट दोस्तों एक इंसान थे जिन्होंने किंग आर्थर के बारे में बात की, ज्योफ्री ऑफ मनमत। अगर आपने दोस्तों ज्योफ्री ऑफ मनमत का नाम सुना है तो इन्होंने बात किया था कि यस, किंग आर्थर नाम के एक किंग थे, एक लीजेंड थे दोस्तों, जो एंजल्स और शैक्सन्स के खिलाफ थे और वो इंग्लैंड की तरफ से खड़े थे दोस्तों। और इनका लीजेंड क्रिएट करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो ज्योफ्री ऑफ मनमत का आता है दोस्तों। और अब आप इस चीज को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, जिसको लिखा है वेनरेबल बीड ने। दोस्तों याद रखिएगा, जिस वर्क का नाम मैंने लिया इक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इसमें भी आपको कहीं पर भी किंग आर्थर का नाम नहीं मिलता। और दोस्तों जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकलर्स भी हैं उन्होंने भी कभी किंग आर्थर का कोई जिक्र नहीं किया। बट किंग आर्थर के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी गई, इवन लाइक मोटे डी आर्थर, और बहुत कुछ दोस्तों लिखा गया इनके बारे में। अब आगे चलेंगे दोस्तों और अब कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड में जो दोस्तों जो आपका ब्रिटेन था, सो ब्रिटेन में अधिकार था एंजल्स शैक्सन्स ज्यूस, जो केल्ट्स थे वो माइग्रेट कर चुके थे, जो रोमन्स थे तो वो ऑलरेडी जा चुके थे दोस्तों। अब आपको तो ये पता चल ही गया होगा। अब देखते हैं कि जो आपके ये एंजल सैक्सन्स और ज्यूट्स थे तो इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे ये थे एंगल, जो एंजल्स और शैक्सन्स दोस्तों। इन्होंने बेसिकली जो किंगडम था, सो किंगडम को इन्होंने डिवाइड किया दोस्तों। बेसिकली जो इनका किंगडम है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और जो इनकी लैंग्वेज थी दोस्तों वो जो डायलेक्ट थी, सो वो 4 डायलेक्ट्स में डिवाइडेड थी दोस्तों। ये जो 4 डायलेक्ट्स हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सो वन इज नॉर्थम्बरियन, अनादर वन इज मर्सियन, देन अनादर वन इज वेस्ट सैक्सन, एंड अनादर वन इज केंटिस। तो अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं थी। हां, ये एक पिजिन थी, ये एक क्रियोल बनी, और इसके बाद दोस्तों ये एक लैंग्वेज बन गई। तो दोस्तों जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो लैटिन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और इसीलिए आपने जब मिक्सअप की बात देखी होगी तो इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों आपको कितने परसेंट मिक्सअप मिलता है, सो दोस्तों 29% आपको लैटिन मिलती है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज थी जिसने बहुत ही ज्यादा इसको प्रभावित किया। सो दोस्तों ये जो पार्ट है, ये जो आपकी लैंग्वेजेस है नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सैक्सन एंड केंटिस, इनमें से दोस्तों जो वेस्ट सैक्सन थी ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी थी और सबसे ज्यादा कि मतलब सर्वाइव्ड करने वाली लैंग्वेज बनी। इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड पर या फिर ब्रिटेन पर शासन चलता रहा, ज्यूट्स रहे आए। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट का अगर आपने नाम सुना होगा दोस्तों, सो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 7 किंगडम्स में से डिवाइड किया था इंग्लैंड को, और इंग्लैंड के 7 किंगडम में से जो सबसे शक्तिशाली पार्ट था वो था वेसेक्स। थॉमस हार्डी के साथ आपने वेसेक्स का नाम जरूर सुना होगा। तो दोस्तों जो ये वेसेक्स पार्ट था वहां के राजा थे किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, और इन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट किया। इसके बाद दोस्तों की इसके बाद की जो कहानी है वो थोड़ा सा स्किप करूंगा और इसके बाद में चलता हूं आपके लिए एंड ऑफ द एरा 1066 1066। दोस्तों तो ये वो साल है जो बैटल्स के लिए जाना जाता है। आप में से बहुत सारे लोग, जैसे ही मैंने 1066 कहा तो आप लोग सोच रहे होंगे किसके बारे में, आपने तुरंत ही सोचा था बैटल ऑफ हेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों 1066 में 2 इंपॉर्टेंट बैटल हुए, वन इज बैटल ऑफ हेस्टिंग और नॉर्मन कंक्वेस्ट, और अनादर वन दोस्तों सो ये था बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड। 2 बैटल्स हुए थे दोस्तों। सो पहले हुआ था बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड इंग्लैंड के साथ, और यहां पर इंग्लैंड ने नॉर्वेन अटैकर्स को हरा दिया था, लेकिन अभी 3 सप्ताह 3 वीक्स भी नहीं बीतीत हुए थे, खत्म नहीं हुए थे 3 वीक्स भी, और फिर विलियम ऑफ नॉर्मेंडी ने
जो फ्रांस से था उसने अटैक किया इंग्लैंड पर, और उसे यह बेहतर तरीके से पता था कि इस समय इंग्लैंड कमजोर है, वो डिफेंड नहीं कर सकता। सो ये राइट टाइम था और उसने अटैक किया। और दोस्तों यस 25th of December, ये जो 24th लिखा है इसे 25th कर लीजिए, विलियम का कॉरोनेशन हो गया, क्योंकि विलियम जो नॉर्मैंडी से था वो जीत चुका था। और दोस्तों हैरोल्ड, जो हैरोल्ड था यानी कि इंग्लैंड का राजा ब्रिटेन का, वो हार चुका था। तो दोस्तों ये है बैटल ऑफ हेस्टिंग की कहानी 1066 के साथ। अब दोस्तों मैंने आपसे सारी बातें कर ली, ये तो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो क्या लिटरेचर कैसा था इस टाइम पीरियड में। दोस्तों बहुत सारी ये जो बार्बरस, बहुत सारी जो ट्राइब्स थी, इन लोगों ने इधर उधर सेटलिंग में कभी इसको गुलाम बनाया, कभी वहां पर हमला किया, बस ऐसी ही जिंदगी बीतती रही। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसी टाइम पीरियड में लिटरेचर भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हुआ। दोस्तों अगर आपने कैडमन का नाम सुना है तो ठीक है, और अगर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिए कैडमन्स का हिम। दोस्तों इसके बारे में, कैडमन के बारे में आपको कहां पर जानकारी मिलती है, सो क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल वेनरेबल बीड का एक हिस्टोरिकल वर्क है, वहां पर हमें पता चलता है। इस टाइम पीरियड का दोस्तों एक बहुत ही ग्रेट एपिक भी है जिसे हम बीवुल्फ एपिक बोलते हैं दोस्तों, और ये दोस्तों सबसे ओल्ड एपिक इंग्लिश लिटरेचर का जाना जाता है। दोस्तों इस टाइम पीरियड की डायलेक्ट्स को याद रखिएगा, ये डायलेक्ट्स हैं केंटिश वेस्ट सैक्शन डायलेक्ट्स, तो दोस्तों ये डायलेक्ट्स को याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट पोएट जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से थे, जिनके नाम हम जानते हैं, बेसिकली ओरल पोएट्री थी, यहां पर ज्यादा हम किसी के बारे में नहीं जान सकते, और सर्वाइव भी नहीं की जो राइटिंग थी। तो दोस्तों कैडमन का नाम और एलहम का नाम और सिनवुल्फ का नाम हम लोग लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मोस्टली पोएट्री ओरल थी, और एलिटरेशन और वेरिएशन और सिजोरा जैसे डिवाइसेस को यूज किया जाता था। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कौन से डिवाइस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, तो दोस्तों आंसर है एलिटरेशन, वेरिएशन, सिजोरा, केनिंग्स। दोस्तों एक और मैंने यहां पर जो नहीं लिखा, KENINGS, केनिंग्स। तो दोस्तों ऐसी डिवाइसेस का यूज किया जाता था। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और एंग्लो सैक्सन पीरियड में दोस्तों आपको चार मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, और इन चार मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम आपकी जबान पर होना चाहिए। तो पहली मैन्युस्क्रिप्ट है दोस्तों आपके लिए, ये है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, दोस्तों जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरी है एक्स्ट्रा बुक, तीसरी है वर्सेली बुक, और चौथी है द बीवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जिसे आप समझते हैं पांडुलिपि, जो पहले लिखी जाती थी और सर्वाइव करे, जिससे हमें यह पता चले कि जैसे हमारे वेदाज कैसे लिखे गए, वर्क्स को कैसे लिखा गया। तो जो दोस्तों जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है, इसको हम कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और कैडमन एक हर्ड्समैन था दोस्तों, एक चरवाहा था, और वैसे बहुत ही शर्मीला टाइप था। वेनरेबल वीड ने बताया अपने इक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में कि कई बार ये पार्टियों एंड ऑल में जाते थे, वहां पर लोग अगर इन्हें कुछ गाने या कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करने को कह देते थे तो इन्हें वो पार्टी छोड़कर आना पड़ता था। और सडनली दोस्तों एक रात को कैडमन वापस आए और सो गए, उन्हें स्वप्न आया, एंड वो ड्रीम में सॉन्ग कंपोज करके गा रहे थे, और उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग कंपोजर बन गए। कैडमन ने दोस्तों भगवान की यानी कि गॉड के लिए बहुत सारी पोएम्स लिखी। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है, तो जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट बिब्लिकल नैरेटिव्स का कलेक्शन है, और इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो आपको जेनेसिस यानी कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, एक्सोडस दोस्तों ये दूसरा पार्ट है, डेनियल थर्ड वन पार्ट, और जो चौथा पार्ट है क्राइस्ट एंड सैटन। क्राइस्ट एंड सैटन जैसा जो ये पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट जॉन मिल्टन के लिए एक इंस्पिरेशन बना आगे की राइटिंग के लिए। एक्स्ट्रा बुक की अगर मैं बात करूं दोस्तों,
इसे एक्स्टा कैथीड्रल, एक कैथीड्रल था जहां पर पाया गया, और किसने इसे दिया था इस कैथीड्रल में, यह बात कोई नहीं जानता। दोस्तों जो एक्स्ट्रा, ये जो आपकी बुक है, इसमें है क्या दोस्तों? तो इसमें पोयम्स हैं क्राइस्ट का टाइटल दे करके। तो दोस्तों जो पोयम्स हैं उनके टाइटल कुछ ऐसे हैं, क्राइस्ट फर्स्ट, क्राइस्ट सेकेंड और क्राइस्ट थर्ड, दोस्तों कुछ इस तरह से नाम दिए गए हैं। और कुछ और पोयम्स जो इसमें मिलती हैं वो है गुतलक और जुलियाना, जो दोस्तों सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड है। और कुछ शॉर्टर पोएम्स भी हैं एक्स्ट्रा बुक में, जिनके नाम है दी रियोन, दी वंडरर, दी सीफियरर, द वाइफ्स लैमेंट एंड हस्बैंड्स मैसेज। सो ये कुछ पोएम्स हैं जो आपको मिलती हैं दोस्तों। अब मैं आपसे आगे बात करूंगा वर्सेली बुक की। वर्सेली बुक दोस्तों ये है थर्ड मैन्युस्क्रिप्ट जो सरवाइव करती है दोस्तों, और इसमें है पोइट्री और प्रोज का कलेक्शन। और दोस्तों अगर आप इसमें देखें तो एक बहुत ही फेमस पोयम है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ रूड, और दोस्तों एंड्रियाज एंड एलिन जो सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड वर्क है, यानी प्रोज वर्क है, वो आपको मिलते हैं वर्सेली बुक में। और इसके बाद दोस्तों ये जो वर्सेली बुक है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, तो वर्सेली नाम के प्लेस से मिली थी। तो दोस्तों जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट थी सरवाइव कर गई, जैसे किसी ने कहीं पर लेकर के दे दिया सेफ प्लेसेस पर कि वहां पर दे दिया जाए, उसके बाद वो सेफ रहेंगी। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा ब्यूवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट की। ब्यूवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट को हम कॉटन विटलस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और कॉटन विटलस के साथ साथ इसे हम नोबल कॉडेक्स के नाम से भी जानते हैं ब्यूवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट को। ब्यूवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट में दोस्तों आपको एक एपिक पोयम लगभग 3,000 लाइन से भी ज्यादा की लॉन्ग पोयम है, और ओनली सर्वाइविंग एपिक जो ग्रेट वर्क कंसीडर किया जाता है। बीवुल्फ को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें एक मॉन्स्टर है और बीवुल्फ नाम का हीरो है जिसके साथ इस पर्टिकुलर वॉक की डीलिंग है। एंड बीड की जो कि एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है, इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम की मिलती है। दोस्तों क्या है ये बीवुल्फ? बीवुल्फ दोस्तों एक एपिक है जो एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा हुआ है, और अगर डीलिंग की बात करूं दोस्तों सो ब्यूवुल्फ एक जो हीरो है गेट्स का, इसकी लाइफ के साथ डील होती है दोस्तों। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी थी ब्यूवुल्फ के बारे में। ब्यूवुल्फ दोस्तों मदद करने आता है एक किंग की, डेनिस किंग की, जहां पर एक हेरोथ रहता है, यानी कि एक हॉल रहता है। उस हॉल में ग्रैंडल नाम का जो मॉन्स्टर था उसने अटैक किया था, क्योंकि वो म्यूजिक एंड ऑल का शोर सुनने के बाद वो आया था। और इसके बाद दोस्तों बीवुल्फ और ग्रैंडल की फाइट, मर्डर ऑफ ग्रैंडल, और ग्रैंडल के मर्डर के बाद दोस्तों मर्डर ऑफ हिज मदर, ग्रैंडल्स मदर, और एक और दोस्तों पार्ट है बीवुल्फ का, सेकेंड पार्ट, जहां पर बीवुल्फ की लड़ाई ड्रैगन के साथ दिखाई गई है। तो दोस्तों ये है कुल मिलाकर के आपके बार आपके लिए बहुत सारी एक अच्छी इंफॉर्मेशन एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में। दोस्तों एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो इससे अच्छा वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और अब दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मैं एफर्ट के साथ आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। पर दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं एफर्ट के साथ वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी होता है। जब हमारे वीडियोस की इतनी मेहनत जो हम करते हैं, तो अगर उसकी रीच अच्छी होती है, ऑडियंस अच्छे होते हैं, तो हमें उस बात की खुशी होती है। तो दोस्तों जरूर शेयर करें अपने जो भी लोग हैं, मतलब जो इंटरेस्टेड हैं दोस्तों पढ़ने में, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब दोस्तों मैं एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहें मेरे, तो यूजीसी नेट इंग्लिश के कोर्सेज आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पर मेरी पेड क्लासेस चलती है, और ये जो पेड क्लासेस हैं आपके यूजीसी नेट इंग्लिश की परफेक्ट प्रिपरेशन करवा देंगी।
By the way, if I'm speaking in Hindi as well as guys, I can also speak in English. Because ये जो course है, मैं चाहता हूँ कि ये course हिंदी के जो students हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आए, UP board के students को. इसलिए मैं हिंदी में इसे बना रहा हूँ. रही बात दोस्तों कि जो plan होते हैं हमारे, तो free classes भी हैं academy पर, paid भी हैं. और अगर दोस्तों आप UGC net aspirant के अलावा अगर आप PGT aspirant हैं, तो TGT, PGT, UP, TGT, PGT की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे इस नंबर से जुड़ सकते हैं. और पेड क्लासेस हैं, बहुत ज्यादा फी नहीं होगी आपके लिए, और आप मेरी क्लासेस वंडरफुल नोट्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं. तो दोस्तों अगर चाहिए आपको एक सीट पक्की, तो फालतू वाली क्लासेस को कहिए गुड बाय. जो लोग आते हैं जिनको यही नहीं पता एंग्लो सैक्सन क्या है. ओके सो दोस्तों थैंक यू सो मच. अपनी तारीफ मैंने अंत में कर ही ली, क्योंकि आप लोग तारीफ नहीं करते शायद इसीलिए. तो दोस्तों फिर से मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, और आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए. तो दोस्तों बिल्कुल आपकी सफलता अब आपके हाथों में है. एंग्लो नॉर्मन पीरियड वाला जो वीडियो है जल्दी आपको मिलेगा. उसके बाद दोस्तों हम कवर करेंगे चासर, रेनेशा और सारी एजेस को दोस्तों मैं बहुत ही ब्यूटीफुली कवर कर दूंगा. सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर.